हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकी कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोल क्लास ट्वेल्थ का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, उसमें आप लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल में लेटर टू एडिटर जरूर पूछेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर लेटर टू एडिटर बता दीजिए, क्योंकि लेटर टू एडिटर जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को 5 मार्क्स का लेटर टू एडिटर पूछेगा, 100% पूछेगा। तो इसलिए आपको लेटर टू एडिटर समझ में आना चाहिए कि वो क्या होता है और किस तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको ये लेटर टू एडिटर का आप लोगों के लिए फॉर्मेट लेकर के आया हूँ, फॉर्मेट डिटेल में समझा दूंगा। इस फॉर्मेट के बेसिस पे ही लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। किसी भी टॉपिक का लेटर टू एडिटर दे, किसी भी टॉपिक का, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लेटर टू एडिटर लिखने का फॉर्मेट यही होगा। इसी के बेसिस पे आपको लिखना है, इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मेट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं दूंगा और एक क्वेश्चन डिटेल्ड में बताऊंगा कि किस तरीके से लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। तो सबसे पहला चीज, लेटर टू एडिटर लिखने के लिए याद रखना कि लेटर टू एडिटर में हमेशा जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। लेटर टू एडिटर जो आपका पेज होगा उसके लेफ्ट साइड में देखो सीधा सीधा, सबसे पहला नियम, लेटर टू एडिटर लेफ्ट साइड में सीधा सीधा लिखा जाएगा। ठीक, अब लेटर टू एडिटर में क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले याद रखना लेटर टू एडिटर के सबसे टॉप में, सबसे स्टार्टिंग में सेंडर एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, सेंडर एड्रेस मतलब वो आदमी जो लेटर लिख रहा है। क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा आप कौन है, आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस कहाँ है। तो ये आपका क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस दिया होगा, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। याद रखना सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद एक रो छोड़ देंगे, एक रो छोड़ करके क्या लिखेंगे, डेट। ठीक, फिर डेट के बाद फिर एक रो छोड़ देंगे और लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मतलब होता है लेटर टू एडिटर किस न्यूज़पेपर को लिख रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हो, दैनिक जागरण को लिख रहे हो, दैनिक भास्कर को लिख रहे हो, प्रभात खबर को लिख रहे हो, द टेलीग्राम को लिख रहे हो, जिस भी न्यूज़पेपर को लिख रहे हो वो रिसीवर होगा, रिसीवर का एड्रेस यहाँ देंगे। इसके बाद फिर एक रो छोड़ेंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट, कि आप लेटर जो लिख रहे हो एडिटर को वो किस प्रॉब्लम में लिख रहे हो, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख रहे हो। तो सब्जेक्ट आपका रिगार्डिंग करके स्टार्ट होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा रिगार्डिंग करके यहाँ इस प्रॉब्लम को बता देना या यहाँ उस टॉपिक को लिखना जिसके लिए लेटर लिखा जा रहा है। क्वेश्चन में बता देगा कि आपको लेटर किस सब्जेक्ट में लिखना है, तो रिगार्डिंग करके वो प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देना, अभी हम बताएंगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर एक रो छोड़ेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम, आपको मन करे तो रिस्पेक्टेड के जगह सिर्फ सर या मैम भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसी एक रो छोड़ के रिस्पेक्टेड सर या मैम लिखे, फिर उसी के नीचे से अब जो है वो स्टार्ट हो गया। तो देखो लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है, तो लेटर टू एडिटर आप एक न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो, न्यूज़पेपर में पहले आप उसको रिक्वेस्ट करोगे कि वो अपने न्यूज़पेपर में एक कॉलम में आपको जगह दे। तो आप लिखोगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर I want to draw the attention toward the problem of, यानी आपके न्यूज़पेपर के एक कॉलम में, प्रेस्टिजियस मतलब होता है विख्यात, बहुत फेमस न्यूज़पेपर है आपका जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपके न्यूज़पेपर में एक कॉलम के मदद से हम जो हैं draw the attention toward the problem of, हम लोगों का ध्यान इस प्रॉब्लम की ओर खींचना चाहते हैं। इसके प्रॉब्लम ऑफ, अब आप इसमें अपना प्रॉब्लम लिखोगे। ठीक है, कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, आप एडिटर को क्यों लिख रहे हो लेटर, आपके सिटी में क्राइम बढ़ रहा है, आपके सिटी में बस कंडीशन अच्छा नहीं है, आपके सिटी में हॉस्पिटैलिटी अच्छा नहीं है, आपके सिटी में कोविड-19 का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके सिटी में ये प्रॉब्लम है, आपके सिटी में जो है वो स्लम एरिया बहुत ज़्यादा है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं रहता है, पुअर वाटर सप्लाई है, कोविड-19 के लिए अच्छा से मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, लाइब्रेरी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ करके यहाँ अपने प्रॉब्लम को 2 से 3 सेंटेंस में डील कर देना। इसलिए जगह छोड़ दिए हैं, अपना प्रॉब्लम को यहाँ डील कर देना। डील हो जाने के बाद लिखना वी कंप्लेन मेनी टाइम्स। देखो अब अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा लेटर लिखे हो जहाँ आप किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हो प्रॉब्लम, ठीक है, तब लिखना वी कंप्लेन मेनी टाइम टू द कंसर्न अथॉरिटी, हम लोगों जो है इस प्रॉब्लम के बारे में कंसर्न अथॉरिटी संबंधित अधिकारियों को बताए थे, बट नो एनी सेटिस्फाइड एक्शन टेकन बाय देम, लेकिन उनके द्वारा अभी तक जो है कोई भी सेटिस्फाइड एक्शन टेकन नहीं किया गया है। वी आर, यू आर आवर लास्ट होप, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, सो अतः प्लीज पब्लिश दिस मैटर इन योर न्यूज़पेपर, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस मैटर को अपने न्यूज़पेपर में छापे।
वी आर ऑलवेज ऑब्लिस्ड फॉर यू, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। इसके बाद एक रो छोड़ करके दो रो छोड़ के फिर से थैंकिंग यू यानी आपका धन्यवाद। इसके बाद जो भी आपका नाम होगा, लड़की लोग लड़की वाला नाम लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया होगा, और लड़का लोग लड़का वाला नाम लिखोगे। समझ में आया? तो बेसिकली इसी तरीके से जो है वो लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट लिखा जाता है। अगर आपने इतना फॉर्मेट याद कर लिया तो 80% आपका काम हो गया। बस आपको सब्जेक्ट में रिगार्डिंग करके ये चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा, और आपका जो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, जो आपका प्रॉब्लम है, वो चेंज होगा। ठीक है, आया समझ में? इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बताते हैं, और उस क्वेश्चन में इस पूरे फॉर्मेट के थ्रू ही हम लोग जो है एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाते हैं। ठीक है, आओ। देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन दे दिए हैं। यू आर सुनील सुनीता, यानी लड़के लोग अपने आप को सुनील कंसिडर करोगे और लड़की लोग सुनीता। लिविंग एट लक्ष्मी मार्केट सेक्टर 4 बोकारो। हम अपने हिसाब से बोकारो का कोई एड्रेस चूज कर लिए हैं, क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया हुआ होगा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ दैनिक जागरण। किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है आपको लेटर? दैनिक जागरण को। अबाउट द इंक्रीजिंग क्राइम इन योर टाउन, और उन्हें बताओ कि आपके टाउन में जो है वो डे टू डे जो है वो क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। आया समझ में? अब चलो इसको बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या बोले थे हम? देखो, टॉपिक कोई भी रहे, कुछ भी टॉपिक रह सकता है, टॉपिक कुछ भी रहे, लेकिन लेटर टू एडिटर बनाने का फॉर्मेट यही रहेगा। टॉपिक कुछ भी रहे, लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बोले थे सेंडर का एड्रेस लिखना है। तो देखो, सेंडर का एड्रेस में क्या बोला, सेंडर कहाँ रहता है? लक्ष्मी मार्केट सेक्टर 4 बोकारो। तो पहले सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। तो सेंडर का एड्रेस में हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलो, सबसे पहले बोला है लक्ष्मी मार्केट में रहता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लक्ष्मी मार्केट। ठीक है, यहाँ आप ऊपर में प्लॉट नंबर लिख सकते हो, लक्ष्मी मार्केट कहाँ जी? सेक्टर 4। तो लिखेंगे लक्ष्मी मार्केट सेक्टर 4, और ये कहाँ है? बोकारो में। तो लिखे लक्ष्मी मार्केट सेक्टर 4 बोकारो, ये सेंडर का एड्रेस। फिर एक रो छोड़ेंगे, इसके बाद डेट लिखा जाता है। तो डेट कैसे लिखेंगे ये समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेट लिखेंगे। जैसे आज है 15 तारीख, तो लिखेंगे डेट में यहाँ पे हम लोग 15th मार्च 2023। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? इसके बाद हम लोग लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस कि किसको लिखा जा रहा है। तो रिसीवर कौन है? दैनिक जागरण। तो यहां फिर एक रो छोड़ करके लिखेंगे टू द एडिटर ऑफ। कौन सा एडिटर है, कहाँ का एडिटर है? टू द एडिटर ऑफ दैनिक जागरण। तो लिखेंगे टू द एडिटर ऑफ दैनिक जागरण, टू द एडिटर ऑफ दैनिक जागरण। कहाँ का है दैनिक जागरण? तो आप बोकारो में रहते हो, तो बेसिकली ये भी बोकारो का होगा। लक्ष्मी मार्केट सेक्टर 4 बोकारो, 12th मार्च 2023, टू द एडिटर ऑफ, कौन सा एडिटर? दैनिक जागरण। अब फिर एक रो छोड़ करके यहाँ पे हम लोग फिर एक रो छोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में फिर क्या, यहाँ डॉट देकर के डैश देके क्या लिखेंगे? रिगार्डिंग, सब्जेक्ट रिगार्डिंग। अब क्या है आपका प्रॉब्लम? तो रिगार्डिंग क्या है जी? इंक्रीजिंग क्राइम इन योर टाउन, ये प्रॉब्लम है। तो लिखेंगे रिगार्डिंग इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर लोकेलिटी या आवर टाउन। अब फिर एक रो छोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग रिस्पेक्टेड सर या मैम। इसके बाद अब यहाँ से सारा सेंटेंस को लिखना स्टार्ट करो। लिखो थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, जो अभी बताए थे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ तक तो बताए थे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ। अब क्या आपका प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर टाउन। तो लिखेंगे टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम इन
आवर सिटी, इंक्रीजिंग क्राइम इन आवर सिटी, क्राइम बढ़ रहा है। अब आपको उसके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम लिखो कि क्राइम बढ़ने से क्या होगा। तो यहां लिख सकते हैं डे टू डे क्राइम और क्रिमिनल्स इविल्स आर हैपेंड इन आवर सिटी, द पीपल्स ऑफ द सिटीज पीपल आर नॉट फीलिंग सेफ इन देयर होम्स, मेनी मोर क्राइम एक्टिविटीज आर हैपेंड बाय द बैड पर्सन, वी आर फेसिंग मेनी मोर प्रॉब्लम ड्यू टू इट। इस तरीके से अपना प्रॉब्लम लिख देना एक दो सेंटेंस। इसके बाद लिखना फुल स्टॉप के बाद लिखना वी आर कंप्लेन मेनी मोर टाइम विद द कंसर्न अथॉरिटी, इसके बारे में हम लोग कंसर्न अथॉरिटी को बहुत बार कंप्लेन किए हैं बट नो एनी सेटिस्फाइड एक्शन टेकन बाय देम, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी सेटिस्फाइड एक्शन टेकन नहीं किया गया। So you are our last hope. So we request to you that please publish this matter on your newspaper. We are always obliged for you. जो अभी फॉर्मेट समझाए डिट तो वही हम आगे इसको लिख के बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार प्रैक्टिस आप खुद करो क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है हमको नहीं, ठीक है। तो अगर फॉर्मेट याद हो गया तो इसको लिख देना, एक बार पढ़ लेना फॉर्मेट याद हो जाएगा। पूरा लिख लेने के बाद एक दो सेंटेंस छोड़ करके यहाँ लिख देना थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद, थैंकिंग यू। इसके बाद लड़का लोग अपने आप को सुनील कंसिडर करोगे तो लड़का लोग यहाँ सुनील लिखोगे, अगर लड़की हैं तो लड़की लोग यहाँ पे सुनील ना लिख के सुनील के जगह क्या लिखोगे, जो नाम दिया है सुनीता, ठीक है। इतना लिखना है, टॉपिक कुछ भी रहे फॉर्मेट यही होगा लेटर टू एडिटर लिखने का, और इसी के बेसिस पे जो है आप लोगों को नंबर मिलेगा। अगर समझ में आया तो ओके, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, हम खुद आप लोगों को 3-4 लेटर टू एडिटर लिख करके डायरेक्ट उसका फोटो जो है आप लोगों को यूट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया कमेंट करके बताना, दिक्कत होगा तो फिर हम आप लोगों को 2-3 फोटो जो है वो लेटर टू एडिटर का लिख के क्लिक करके उसको भेज देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और पढ़ना चाहे तो कमेंट करके हमको बता देना।